ज्वाइन करना है, सोचो नहीं कर लेने का। मैं भी बहुत सोचता था अरे ये ऐसा वैसा, लेकिन मैंने किया किया तो बस आ गया, कंटिन्यू चल रहा। प्लेसमेंट तो 100% है। यही चीज़ें अप्लाई होती हैं, चाहे आप फ्रंट ऑफिस मतलब गेस्ट सर्विस ज्वाइन करो, या रेस्टोरेंट ज्वाइन करो, या हाउसकीपिंग ज्वाइन करो, या फिर बार डिपार्टमेंट ज्वाइन जो करो। इंटरव्यू लेता है वो शेप रहता है पहली ऑफ में, कोर्स जो इंटरव्यू लेता है वो शेप रहता है, वो आपको हाँ पहचानेगा क्या, यानी कितने पानी में है आप। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग वीडियो शूट रशीद के अंदर। एक्चुअली इसको हम ब्लॉग नहीं बोल सकते हैं, इसमें मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ शेफ अमजद का। शेफ अमजद अपनी जर्नी बताएंगे कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं यूट्यूब पे, हाउ टू ज्वाइन गैली, हाउ टू ज्वाइन रेस्टोरेंट, हाउ टू ज्वाइन दिस, हाउ टू ज्वाइन ये वो। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि अपना एक दूसरा चैनल भी है शिप एंड क्रूज लाइफ, वहाँ पे आपको ए टू जेड सारी जानकारी मिल जाएंगी, हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, क्रूज, कोस्ट गार्ड, नेवी, इंडियन नेवी, और आपको डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज की जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं वो सारा आपको उसमें मिल जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग शेफ अमजद से बात करेंगे, वो आपको बताएंगे कि पूरा प्रोसेस वो यहाँ तक कैसे पहुँचे आफ्टर होटल मैनेजमेंट। और अभी अपना शिफ्ट जो है, लास्ट आपने मेरा ब्लॉग देखा था, भूसान से हमने सेल किया था, और अभी अपनी लोकेशन है वियतनाम के पास। हम लोग ताइपे को कल क्रॉस कर चुके थे, आई मीन ताइवान को क्रॉस करके अभी वियतनाम के आसपास है। ये सब चीज़ें मैं आपको थोड़ी देर में सिस्टम में दिखा दूंगा पूरी लोकेशन। और सिंगापुर आज 24 तारीख है, शिप पहुँचेगा 27 तारीख को सिंगापुर। अभी हम शेफ अमजद से बात करते हैं। इज देयर हाय गुड हाय शेफ इवनिंग अमजद, भाई। हाउ आर यू? थैंक हाँ फाइन, यू फॉर यू योर सर? टाइम। तो अब शेफ अमजद से हम जानेंगे कि कैसे इन्होंने ज्वाइन किया, पूरी जर्नी आप शेयर करोगे इसमें, ठीक है यस नो अपनी। प्रॉब्लम। हाँ मैंने, मेरे पास पहले से एक्सपीरियंस था और मैं पुणे में काम कर रहा था। उसके बाद मेरे को पता चला ऑन पेपर कि मुंबई एक ऑफिस है, उसमें इंटरव्यू चल रही है। तो मैंने मुंबई आया हाँ और वहाँ पे इंटरव्यू दिया, तो सिलेक्शन हुई मेरा। टोटल 6 मंथ का प्रोसेस था हमारा, तो लगता है टाइम लगता है उसमें 6 मंथ कौन सी का। एजेंसी से अप्लाई किया आपने? एजेंसी एक्चुअली CSSI था एजेंसी। देयर इज लॉट ऑफ एजेंसीज, एयरबोन, कामाक्षी, हिरन हिरन इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, बट मैंने CSSI एयरबॉर्न। से आया। देखो मेरा दोस्त लोग भी उधर से आए, अच्छा। उसका अच्छा फीडबैक है। टोटल 6 मंथ का उसका प्रोसेस ऑनलाइन रहता है, स्लोली 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 सब आपको बताते जाएगा। अच्छा है, और पैसे वगैरह चार्ज करते हैं क्या? और कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ वहाँ पे कॉस्ट। इंटरव्यू होगा सबसे पहले आपका। सबसे पहले आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू फिर क्लियर करना है मतलब वहाँ पे भी। इंटरव्यू क्लियर करना है आपको। पूरा फूड बैकग्राउंड के बारे में पूछेंगे, पूरा मदर सॉस पूछेंगे, विच पोजीशन में हायरिंग डिपार्टमेंट पोजीशन होगा, आपको क्वेश्चन करेंगे, जो भी डिपार्टमेंट के लिए आप जो भी जा रहे हैं, डिपार्टमेंट के लिए है वही सब पीछे का तो वहाँ बैकग्राउंड। पे कौन कौन से, एक्चुअली मुझे लगता है कि सारे डिपार्टमेंट के लिए हायर करती होगी वो, सब डिपार्टमेंट डेक, इंजन, होटल, सारे डिपार्टमेंट की हायरिंग होती होगी वहीं से, या खाली होटल डिपार्टमेंट? बेसिकली मेरा तो होटल डिपार्टमेंट का मैंने देखा, जो बंदे हम लोग गए थे सब होटल के थे। हाँ अच्छा, नहीं एक्चुअली सारे डिपार्टमेंट्स की होती होगी आई थिंक, मुझे लगता है, आई एम नॉट श्योर, बट जो बाकी एजेंसी जैसे एयरबॉर्न और हीरा इंटरनेशनल हो गया, कामाक्षी हो गया, आप वहाँ से दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट का होता है। हाँ सब डिपार्टमेंट का होता है, उतना आइडिया नहीं मुझे, लेकिन होता है। होता है, सभी डिपार्टमेंट्स का होता है। अमजद भाई ये बताइए, आपने डिग्री या डिप्लोमा कहाँ से लिया क्रूज ज्वाइन करने के लिए? मैंने हिमाचल प्रदेश से लिया। मैंने भी वहीं से किया, मतलब मैंने चंडीगढ़ से किया, मेरा चितकारा यूनिवर्सिटी था, हिमान अपना हिमाचल में भी है चितकारा यूनिवर्सिटी, बट आपका कौन सा इंस्टीट्यूट है, श्यामला एकेडमी है, कहाँ पे हो? गनहाटी, गनहाटी। गनहाटी, हाँ श्यामला अकेडमी, अच्छा इंस्टीट्यूट है तो मेरा। आपने वहीं से किया? हाँ मेरे 8-10 दोस्त वहीं से किया। अच्छा प्लेसमेंट भी देता है, अच्छा ट्रेनिंग, अच्छा कॉलेज भेजता है, जैसे 5 स्टार होटल्स में इंडिया में ट्रेनिंग के लिए भेजता है उसका, और अच्छा प्लेसमेंट भी है उसका। क्रूज़ के लिए भी होता है और हाँ होटल्स क्रूज़ के के लिए लिए भी भी होता है। होता है। फ़ी कैसा है? फ़ीस सही है, नॉर्मल फीस है या फीस नॉर्मल है, ओके कंपैरिजन ऑल कॉलेज नॉर्मल है जैसे नॉर्मल सब। मतलब हाँ ना, और जैसा और में रहता है, ठीक है तब कर सकते हैं डिप्लोमा, कर सकते हैं डिग्री भी कर सकते और हैं। फैकल्टी वगैरह सब अच्छा। फैकल्टी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं आपको। प्लेसमेंट तो 100% है। अभी तक तो हमने जान लिया कि कैसे आपको ज्वाइन करना है गैली, गैली बोले तो किचन, यही चीज़ें अप्लाई होती हैं, चाहे आप फ्रंट ऑफिस मतलब गेस्ट सर्विस ज्वाइन करो, या रेस्टोरेंट ज्वाइन करो, या हाउसकीपिंग ज्वाइन करो, या फिर बार डिपार्टमेंट ज्वाइन करो। यहाँ पे सर्विस और बार दोनों डिफरेंट है, मतलब
दो डिपार्टमेंट बना रखे हैं, तो आप कोई भी डिपार्टमेंट ज्वाइन करो, सब में आपको एक्सपीरियंस तो लगेगा मिनिमम 1 ईयर किसी 4 स्टार 5 स्टार होटल का, या फिर ऑन बोर्ड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने किसी और क्रूज शिप में पहले काम किया है तो वो तो और भी अच्छा है। प्लस पॉइंट हो गया आपका। और भी अच्छा है। एक्चुअली ना आप कोई भी डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लो, कोई भी, आपको एक्सपीरियंस एक देना साल ही का होगा, होना है मिनिमम 1 ईयर मिनिमम। एक्सपीरियंस। और बहुत सारी मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट के लिए 2 ईयर भी है, थ्री ईयर भी है, वो डिपेंड करता है, क्योंकि ऑन बोर्ड में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उस हिसाब से। बट तो अभी मैं एक बार रोकूंगा इधर, आपका इवन आप 4 ईयर 5 ईयर एक्सपीरियंस है आपका, लेकिन आप इधर से बेसिक से स्टार्ट करोगे, स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। सो ऐसा ऐसा ज़्यादातर होता है, मतलब हाँ ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इसी में ले लेते हैं, गैली में ही, अभी आप होटल में डेमी शेफ दी पार्टी हो या शेफ दी पार्टी हो, यस एग्जैक्टली। और यहाँ पे आपको ये कौमी लेवल पे लेके आएंगे, कौमी 2 ऐसे करके आपको हायर करेगा, सैलरी तो अच्छा रहेगा ही, होटल से तो बहुत अच्छा रहेगा सैलरी। हाँ लेकिन ऐसा है, वो डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू कैसे क्लियर करते हो अपना। जैसे आप सुशेफ हो तो ये नहीं कि आपको कॉमी पे डालेगा, नहीं, ना आपको ना डेमी ना शेफ लेगा या फिर आपको शब्दी पार्टी लेगा, शब्द पार्टी लेगा। ये सब लेगा। और हो सकता है आप शब्दी पार्टी हो, आपको यहाँ पे डेमी शब्दी पार्टी भी दे दे, वो डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसे है, आप कैसे मतलब आप प्रेजेंट करते हो अपने आप को जब अपने इंटरव्यू होगा आपका। हाँ जो इंटरव्यू लेता है वो शेप रहता है गैली ऑफ में, कोर्स, जो इंटरव्यू लेता है वो शेप रहता है, वो आपको हाँ पहचानेगा क्या, यानी कितने पानी में है आप, ठीक है ऑफ ना। कोर्स, वो पहचान लेगा। तो उसमें अफ्रेड होने की ज़रूरत नहीं, इफ़ यू हैव क्वालिटी देन ही गिव यू हैंडसम सैलरी एज वेल एंड गुड पोजिशन ऑल्सो। तो सिंपल सा तरीका है, अगर आप अभी होटल मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद आप किसी भी एजेंसी में अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि 2 4 नाम हमने पहले बता दिया आपको, बाकी आपको अगर और भी जानना है तो मैंने जैसे कि बताया शिप एंड क्रूज लाइफ, वहाँ पे आप देखना एजेंसीज इन इंडिया एक चैनल होगा, उस पर उनके एड्रेस, मेल आईडी, आपको कैसे कांटेक्ट करना है, वो सब प्रोसीजर उसमें रहेगा। वहाँ से आप अप्लाई कर लो, अपना सीवी डालो, जैसे आपको इंटरव्यू डेट आती है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको STCW कोर्सेज करने होंगे। आपने STCW कहाँ से किया अपना? मैंने इधर नवी मुंबई से किया, एनवी बोल के इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे एक मेरा फ्रेंड है, अगर उसको बोलेगा तो मैं नंबर दे देगा उसका। ये बेसिक हाँ मतलब ऑन बोर्ड सेफ्टी को लेकर ये कोर्सेज होते हैं, STCW कोर्सेज 5 आपको बेसिक करने पड़ेंगे, और हो सकता है 6 भी करने पड़ेंगे, क्राउड एंड मैनेजमेंट, क्राउड क्राउड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। PSF, तो एक प्लस हो सकता है, STSD, डिपेंड करता है ये हाँ किसी कैसे कंपनी में है। रिक्वायरमेंट होती है क्राउड मैनेजमेंट की, किसी कंपनी में नहीं होती है। 5 तो बेसिक हैं, वो तो आपको करने करने हैं, उसके अलावा ये एक प्लस करना भी पड़ सकता है आपको। उसके बाद आपको बनाना होगा इंडियन CDC, इंडियन CDC के लिए आपको अप्लाई करना है, 700 रुपये बन जाता है। कैसे अप्लाई करना है ये वगैरह, वो सब चीज़ भी आपको वही चैनल पर मिलेगा, शिप एंड क्रूज लाइफ। STCW कोर्सेज में आपका एग्जिट एग्जाम होगा, वो आपको कैसे क्लियर करना है वो भी आपको उसी चैनल में मिलेगा। और एक और कार्ड अभी आया, SID कार्ड। BSID कार्ड आपको बनाना है, वो भी आपको वहीं से मिल जाएगा। इसमें मैं बताऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ब्लॉग, तो आप उसमें देख सकते हो आपको कैसे, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो उसके इसके आगे का बाद की प्रोसेस है ये। उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कैसे अप्लाई करना है BSID कार्ड के लिए, कैसे आपको इंडियन CDC के लिए अप्लाई करना है, कैसे आपको STCW कोर्सेज अपने क्लियर करने हैं, ये वगैरह सब 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 चीज़ें आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएंगी। अभी फाइनली अमजद भाई डिसम्बार्क होने वाले हैं शिप से, इनका ऑलमोस्ट हो ही है, 7 साढ़े 7 8 महीना हो गया होगा। साथ में ना कैसा लगा फिर ऑनबोर्ड, अच्छा लगा। हाँ ऑनबोर्ड इन्वायरमेंट कैसा लगा, अच्छा लगा, वर्किंग आवर्स वगैरह, ब्रेक, ये वो सब? नहीं सब अच्छा। आप आओगे शिप में तो सब वर्किंग आवर्स टोटल 11 12 घंटा है, टेंशन नहीं है, बीच में ब्रेक है, आपको मिलेगा ब्रेक, ऐसा कुछ नहीं है, आपका आराम आपको कुछ नया सीखने को मिला होटल से क्रूज में? मिला ना। नया एक्सपीरियंस नहीं मिला, बूफे सेटअप नया एक्सपीरियंस मिला, हर चीज़ हर जगह जाते हैं तो नया नया सीखने को आपको मिलता ही, ऑब्वियसली मिलेगा ही, अच्छे शेफ मिले, अच्छे लोग मिले। हाँ डिफरेंट डिफरेंट नेशनलिटी के लोगों से काम करने को मिलेगा, अराउंड जैसे 74 नेशनलिटीज़, 74 नेशनलिटी के लोग हैं। इट्स नॉट इजी टू सर्वाइव और ऑल रिस्पेक्ट विद ऑल पीपल। सबसे बड़ी बात है कि ऑल एवरीबडी गिव द रिस्पेक्ट, अच्छे से सबसे रहना है, एक साथ वी आर वन फैमिली। हाँ तो जितने 74 नेशनैलिटीज़, यू फील
डिफरेंट। मतलब पूरे 74 नेशनलिटीज नहीं रहेंगी वहाँ पे दिल्ली हाँ में, हाँ मैं बता रहा हूँ पूरे शिप के पूरे अंदर, शिप के शिप के अंदर। अंदर या फिर आप बोल सकते हैं पूरी फ्लीट हाँ में, पूरी फ्लीट में हाँ रहेंगे, हाँ बट हो सकता है कि यहाँ पे खाली 35 रहें, पूरी फ्लीट की बात कर रहे हैं हम्म, हम, फिर भी बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं, उनके साथ काम करना है, उनके साथ सरवाइव करना है, सरवाइव ये करना सब है एक अच्छा अलग सा एक्सपीरियंस रहता है। अलग। तो चलिए हमने जान ही लिया है और मैंने हम्म, आपको बता दिया है कि आपको कैसे ज्वाइन करना है, कैसे अप्लाई करना है। अगर आप ऑलरेडी अभी काम कर रहे हो, आपके पास एक्सपीरियंस है 1 साल का या फिर 1 साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप किसी भी एजेंसी में जाके अपना रिज्यूमे डाल सकते हैं, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं या फिर आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, cruisejobs.com, ये बहुत सारी साइट्स हैं, वो साइट्स भी आपको उसी चैनल में जब क्रूज आप जाओगे, करियर डॉट इन, हाँ क्रूज क्रूज कैरियर .in, ऐसे आप बहुत सारी ऑनलाइन हैं कर दो, टेंशन नहीं डालो, आप। उसके बाद आपको इंटरव्यू की डेट आएगी, हाँ आपका इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन भी हो सकता है ऑफलाइन भी हो सकता है। फिर बाकी आगे का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, आपको बेसिक STCW कोर्सेज, इंडियन CDC के लिए अप्लाई करना होगा, BSID कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा, फिर धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिक वैसे ही पता लगने लग जाएगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपको आपकी एजेंसी भी आपको बताएगी कि आपको ये करना है, बताया ना आपको, हाँ बताया होगा ना नेक्स्ट स्टेप ये है प्रोसेस पूरा समझाया होगा, वो सब चीज़ें उसके बाद आपको शिप आ जाएगा। अब ज्वाइन करना है तो जितना जल्दी ज्वाइन करे अच्छा रहेगा, मेरा बोलने मतलब बताइए। ज्वाइन करना है सोचो नहीं कर लेने का। मैं भी बहुत सोचता था अरे ये ऐसा वैसा, लेकिन मैंने किया किया तो बस आ गया, कंटिन्यू चल रहा है। तो आपको ऑनबोर्ड अच्छा लगा या फिर लैंड में अच्छा लगा? नहीं ऑनबोर्ड अच्छा लगा, लैंड में तो अच्छा है ही है, लेकिन ऑनबोर्ड ऑनबोर्ड भी शॉर्ट, अच्छा है। हाँ शॉर्ट टाइम शॉर्ट पीरियड के मनी लिए इज़ गुड, सैलरी अच्छा रहता है, गो होम अर्ली, हाँ विद इन 6 मंथ गो होम, सिक्स सेवन्थ सिक्स एट, सेवन ऐसा। कभी कभी एक्सटेंड भी हो जाता है हाँ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कुछ नहीं है आपका रिप्लेसमेंट नहीं आ रहा है या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं यार। देर इज़ वन गुड थिंग इन शिप, यू कैन गो एनी टाइम इफ देर इज एमरजेंसी एट योर होम, ये मेरे को अच्छा लगा। मेरा दोस्त कल ही गया है, उसका घर में कोई इमरजेंसी आ गया तो साइन अप पड़ा, टिकट फ्लाइट टिकट मिल जाता है। हाँ आप अभी साइन अप मारो, अभी फ्लाइट अवेलेबल है 1 घंटे में बाहर, आप अब बाहर आप, और नहीं अवेलेबल है फिर तो आपको नेक्स्ट दिन तो मिलना ही है। हाँ लेकिन ऐसा भी नहीं होता कई बार, जैसे अभी हम लोग एट सी में हैं, अभी हम पहुँचे हैं ये वियतनाम के आसपास, अभी ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले बताया था, आपको अभी मैं दिखाऊंगा आपको सिस्टम में पूरा है शिप की लोकेशन वगैरह क्या है। तो अभी आपको सिंगापुर से डिसम्बा कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से तो कर नहीं पा सकते, अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, मेडिकल बंदे को मेडिकल इमरजेंसी होगी, जैसे बंदा है उसी को इमरजेंसी होगी ऑन बोर्ड, वो चीज़ अलग है, तब हेलीकॉप्टर वगैरह ये वो सिस्टम अलग सब है, अवेलेबल है, हाँ सब सब अवेलेबल है। वो चीज़ अलग है, वो चीज़ तो फिर करनी पड़ेगी, अगर ऑन बोर्ड ही बंदे को कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी बहुत सीरियस, वो तब वो अलग चीज़ है, तब तो कहीं भी हो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। आप कब जा रहे हो दीपक भाई? मैं भी जाने वाला हूँ यार, मतलब अभी है 1.5 महीना और बचा हुआ है। ए शिव हमारा तो इंडिया भी जा रहा है ना, इंडिया जा रहा है, मुंबई दो दो गोवा। नंबर को मुंबई पहुँच जाएगा, हाँ इंडिया से ही निकलने वाला हूँ एक्चुअली, 1 ही महीना बचा हुआ है वैसे तो, 3 महीने इंडिया में रहेगी ये शिप, हाँ जनवरी जनवरी इधर ये फर्स्ट टाइम जा रहा है ना ये शिप। नहीं पहले भी गया, बहुत अच्छा पहले अच्छा गया था, अभी दोबारा जा रहा है, मतलब ये मान लो 2018-17 में गया हुआ था। बहुत सारे शिप आ रहे हैं इंडिया में अभी, हाँ इसी मंथ में जो ये चल रहा है ना नवंबर, ये तो अक्टूबर चल दिसंबर रहा एंड जनवरी, और भी बहुत सारी कंपनीज के शिप आने वाले हैं वहाँ पे। आपका नेक्स्ट जॉइनिंग कब है? दो ढाई महीना तो रहेगा ही, नहीं नहीं यार कितना है? 4 मंथ्स 4 मंथ्स वैकेशन है, मजे मजे करो। का। एक्चुअली क्या है ना, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है तो रिन्यू के लिए टाइम मिला है, नहीं तो ज़्यादा नहीं मिलता यार, 2 ढाई महीना, दो 3 महीना, 4 महीने। 4 महीना मुश्किल से आपको मिल रहा है आपका पासपोर्ट का लफड़ा इस वजह से। और जो अमजद भाई के पीछे आपको ये दिख रहे हैं ना यहाँ पे देखो हाँ सिंबल्स, सिंबल्स, ये आपको दिखाता हूँ मैं क्या है, ये आपको सब STCW कोर्सेज जब आप करोगे तब आपको सीखने को मिलेंगे, और ऑन बोर्ड आपको ये सब इन्हीं सिंबल से आपको पता लगेगा कोई भी इमरजेंसी होगी, कहाँ पे फायर होज है, कहाँ पे सिलेंडर है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे लैडर है, ये सारी चीज़ें, कहाँ पे लाइफ बॉय है, ये सब इसी से आपको पता लगे। ये देखिए CA2 अलार्म, ये देखिए इम्बार्केशन लाडर, लाइन थ्रोइंग अप्लाइंसेस, लाइफ बॉय विथ लाइट, ये लाइफ बॉय होता है, तो ये सारे आप दिख रहे हैं आपको, CO2 फॉर्म, F मतलब फॉर्म का है, ये मैनुअल ऑपरेटेड कॉल पॉइंट है, ये CO2 CO2। फायर होज एंड नोजल्स का सिंबल ये रहेगा, आपको पता लगेगा कि यहाँ पे फायर होज है, ये नोजल है, ये मीटिंग पॉइंट्स हैं,
एग्जिट, ये तो नॉर्मल है, इमरजेंसी एग्जिट्स, ये EEBD लाइफ जैकेट्स, इन्फेंट बच्चों के लिए है ये लाइफ जैकेट्स, एडल्ट के लिए है, वेट के हिसाब से होता है इसमें, आप जब देखोगे आपको पता लग जाएगा। ये सारी चीज़ें आप देखते हैं, वेटिंग पॉइंट इन लाइफ का, आप ये नंबर्स होंगे। ये शिप है, ये देखिए, ये है फायर फाइटिंग सिंबल एंड मेन वर्टिकल जोन। जो शिप होता है वो मेन वर्टिकल जोन्स में डिवाइड होता है। जब आप ऑन बोर्ड आएंगे, आपकी ट्रेनिंग होगी, आपकी ड्रिल होंगी, वहाँ पे आपको सब कुछ बताया जाएगा। जैसे देखिए मेन वर्टिकल जोन, ये आफ्ट से चालू होता है आगे तक, डिपेंड करता है शिप के साइज़ के हिसाब से। मेन वर्टिकल जोन 7 तक है, 8, 9, 10, और ये देखिए पाउडर है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि आप कौन से मेन वर्टिकल जोन में हैं। ये है डेक, डेक 3, मेन वर्टिकल जोन 5, और ये इसका नंबर है 07। ये सारी चीज़ें तो आपको ऑन बोर्ड जब आप इम्बार्क होंगे, आपकी ट्रेनिंग होगी, हेस ट्रेनर आपका ट्रेनिंग लेगा तो वहाँ पे, या सेफ्टी ऑफिसर, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। वो आपको बताएगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये तो वैसे भी अभी काम की नहीं है, बस ऐसे ही एड ऑन कर दिया हमने। तो आपको मैं इस मैप में दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको सिस्टम में दिखाऊंगा। ये है साउथ कोरिया, भूसान, पूसान, भूसान एक ही बात है। यहाँ से हम निकले हुए थे और कल हम थे यहाँ पे, मैं बता रहा था ना आपको ताइवान, बट आज हम हैं वियतनाम के आसपास, यहाँ पे साउथ चाइना सी में, और हम 27 को पहुँचेंगे सिंगापुर यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से हम निकलेंगे इंडियन ओशन में, हम लोग आ जाएंगे अंडमान निकोबार से होते हुए इस तरह से। ये देखिए नीचे पूरा इंडियन ओशन है। यहाँ पे हमने जाना है मुंबई, यहाँ हम पहुँचेंगे, इस तरह से अपना रूट है ये। 27 को सिंगापुर में होल्ड होगा और अभी हम हैं यहाँ पे साउथ कोरिया, और ये है भूसान का पोर्ट। यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, ये हम यहाँ से इस तरह से आए हैं, और अपना अभी पोजीशन है यहाँ पे। ये देखिए आप कॉस्टा सरीना लिखा हुआ आ रहा होगा, ये रेड मार्क किया हुआ है, ये रेड कलर का अपना शिप है। और मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले, हम कल कल हम थे यहाँ पे ताइवान, तो यहाँ से अभी निकला है शिप, अभी हैं हम यहाँ पे, और इस रूट को इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ से, उसके बाद यहाँ से शिप पहुँचेगा यहाँ पे सिंगापुर। ये देखिए सिंगापुर, यहाँ पे शिप पहुँचेगा, उसके बाद यहाँ से होते हुए हम सीधे निकल जाएंगे यहाँ से इस तरह से, और अपन हम लोगों ने जाना है यहाँ पे मुंबई, इस पोर्ट पे हमने जाना है, और 27 को हम यहाँ पे होल्ड करेंगे। होल्ड नहीं, मतलब कुछ देर रुकेगा वहाँ पे, ये मान के चलिए 6 घंटा सिंगापुर में यहाँ पे। जैसे ही शिप इंडिया पहुँच जाएगा, उसके बाद क्रूजिंग चालू होगी मुंबई, गोवा, कोची, इस तरह से क्रूजिंग होगी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।